भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दुष्यंत गौतम ने धर्मशाला में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि कश्मीर में पत्थरबाजी की घटनाएं पूर्व नियोजित होती हैं। केंद्र सरकार के कड़े निर्णय लेने व कड़े कदम उठाने के कारण जो विदेशी ताकतें पत्थरबाजों को संरक्षण देती थी वे अब खत्म हो गई हैं। जिसने भी देश के संविधान के विरोध में काम किया उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यही कारण है कि कश्मीर में पत्थरबाजों की संख्या कम होती गई है। राम मंदिर के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि राम मंदिर बनेगा और हिंदुस्तान में ही बनेगा। राम के जितने भी आराध्य लोग हैं उनकी आस्था है। संविधान भी हमारा है, देश भी हमारा है, संविधान के प्रति आस्था है। ऐसे में उम्मीद है कि परिणाम हमारे अनुरूप होंगे। प्रदेश भाजपा में चल रही गुटबाजी और पुराने नेताओं की अनदेखी के सवाल पर गौतम ने कहा कि उन्होंने शांता कुमार से मुलाकात की है। उन्होंने कहा कि शांता कुमार का सब पर आशीर्वाद है। पुराने नेताओं को ना मानने पर उन्होंने कहा कि एक आध घटना परिवार में घटती रहती है। जिला के विधायक द्वारा संगठन पदाधिकारियों को दी जा रही चुनौती पर दुष्यंत गौतम ने कहा कि ये आपको अल्पकालिक अनुशासनहीनता लग रही है, लेकिन हमारा संगठन पर्याप्त शक्तिशाली है और ऐसी परिस्थितियों को खत्म कर देंगे। दुष्यंत गौतम ने कहा कि जैसे लोकसभा चुनाव जीता है वैसे ही धर्मशाला के उपचुनाव भी जीतेंगे। प्रत्याशी जो भी हो कमल का चुनाव चिन्ह उनके साथ होगा। चुनावों की घोषणा के उपरांत प्रत्याशी कौन होगा इसकी घोषणा भी कर दी जाएगी। वहीं समाजवादी नेता आजम खान द्वारा महिलाओं पर की गई टिप्पणी पर उन्होंने इसकी निंदा की और कहा कि सर्वदलीय नेताओं ने भी इसकी निंदा की है और सर्वदलीय कमेटी भी बनी है जो आजम खान की टिप्पणी पर निर्णय लेगी। धर्मशाला कांग्रेस की बैठक धर्मशाला में आयोजित की गई, जिसमें ब्लॉक व शहरी कांग्रेस के अलावा जिला कांगड़ा के कई प्रमुख कांग्रेसी नेताओं ने इस बैठक में शिरकत किया। तो वहीं बैठक में विशेष रूप से प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर और नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री मौजूद रहे। कांगड़ा के विधायक पवन काजल, पूर्व विधायक यदविंदर गोमा, जगजीवन पाल, चंद्र कुमार, किशोरी लाल, पूर्व वन निगम उपाध्यक्ष केवल सिंह पठानिया, नगर निगम धर्मशाला, कांग्रेस संगठन आत्मक जिला कांगड़ा और नूरपुर के पदाधिकारियों सहित अन्य कांग्रेसी नेताओं ने इस बैठक में भाग लिया। बैठक के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा कि पार्टी को कमजोर करने वाले नेता व कार्यकर्ता सहन नहीं किए जाएंगे। धर्मशाला उपचुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी को लेकर प्रश्न पर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सुधीर शर्मा पार्टी के स्थापित नेता हैं। ऐसे में पार्टी कार्यकर्ताओं से बैठक की गई है तथा अब पार्टी नेतृत्व से बात की जाएगी। उपचुनाव में पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए समय रहते प्रत्याशी घोषित कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सुधीर शर्मा ने बतौर मंत्री धर्मशाला का विकास किया है, उसका लाभ उपचुनाव में अवश्य मिलेगा। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि धर्मशाला व पछाद उपचुनाव में कांग्रेस भाजपा को पटखनी देगी। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार जमीनों को बेचने का प्रयास कर रही है, जिस पर कांग्रेस मूक दर्शक नहीं रहेगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भविष्य में चुनाव बैलेट पेपर पर होने चाहिए, क्योंकि पूरा विपक्ष ईवीएम के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि ईवीएम बनाने वाले देश भी चुनाव में इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, जबकि भाजपा ही ईवीएम से चुनाव करने को तरजीह दे रही है। उन्होंने कहा कि ईवीएम के खिलाफ सभी विपक्षी दल आवाज बुलंद करेंगे। उन्होंने प्रदेश सरकार से प्रशासनिक ट्रिब्यूनल को बंद करने के फैसले पर पुनर्विचार करने का आग्रह भी किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती के बयान पर पलटवार भी किया है। उन्होंने कहा कि वे सत्ती को बताना चाहते हैं कि 15 वर्ष तक वे भारत सरकार के वरिष्ठ अधिवक्ता रहे हैं, तो जो मेरी बात होती है वे तथ्यों पर ही होती है।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति के ड्राफ्ट को लेकर धर्मशाला में वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल सहित हिमालयन स्टेट के शिक्षा मंत्री, शिक्षा सचिव व शिक्षाविदों ने चर्चा की। इस मौके पर शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि शिक्षा बोर्ड ने नकल को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर कदम उठाए हैं। नॉर्थ इंडिया के हिमालयन राज्यों की समस्या लगभग एक जैसी है, ऐसे में नई राष्ट्रीय नीति में हिमालय राज्यों के लिए अलग प्रावधान करने की मांग उठाई गई। वहीं हिमाचल प्रदेश में आंगनवाड़ी केंद्रों को प्राइमरी स्कूलों के साथ मर्ज किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सम्मेलन में हिमालय राज्यों के लिए शिक्षा नीति में इन राज्यों की भौगोलिक दृष्टि के अनुसार बदलाव करने की मांग भी की गई। शिक्षा मंत्री ने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों को प्राइमरी स्कूलों में मर्ज करने से जहां आंगनबाड़ी केंद्रों की गतिविधियों में सुधार होगा, वहीं भवनों की कमी से जूझ रहे आंगनबाड़ी केंद्रों को भवन भी उपलब्ध होगा। इस संबंध में योजना का खाका भी तैयार किया गया है। सुरेश भारद्वाज ने कहा कि हिमाचल का जनरल एनरोलमेंट रेशियो अन्य राज्यों की तुलना में काफी अच्छा है, लेकिन इसमें सुधार की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सरकार ने प्री प्राइमरी कक्षाएं शुरू की हैं, जिससे अधिक बच्चे सरकारी स्कूलों में प्रवेश ले रहे हैं।